लड़के की बनोरी आपने देखी होगी, लेकिन वन विहार कॉलोनी में कमल जी सोनी है, उनकी पोत्री जो है उसकी बनोरी यहां पर निकाली जा रही है। क्या विचार रहे, किस प्रकार जो है ये मन में आई? और हालांकि बहुत सारे गांवों में अभी भी बनोरी जो है बच्चियों की निकाली जा रही है, ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कमल जी सोनी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपने पोत्री की जो बनोरी निकाली है, पहले आपकी एक बेटी की शादी भी हुई थी, अभी पोती की पहली पोती की शादी है, तो कैसे, क्या विचार बना, क्या आपका मन किया? विचार ये बना कि अभी पोत्रियों को बढ़ावा देने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सभी देश के अंदर ये आवाज़ चल रही है, तो इसको क्यों नहीं यहाँ चूरू शहर में भी वन विहार कॉलोनी में लागू की जाए। अच्छा, शिक्षा की अगर बात आपने की, तो आपकी पोती जो है वो कितनी पढ़ी हुई है, क्या आपने शिक्षा दिलवाई? MA इंग्लिश में की हुई जी। और अन्य जो आपकी दूसरी पोती है, वो अभी 10वीं पढ़ रही है। 10वीं पढ़ रही, तो पढ़ाई की तरफ आपने पूरा ध्यान दिया है, रुझान दिया है। अभी जो शादी आप कर रहे हैं, क्या देख के आपने विचार किया कि बेटे पोती को जो है हम ऐसे घर में भेजें और आगे नौकरी या कहीं भी आगे रास्ता दिखे, ऐसा कुछ विचार आपका रहा? हाँ, विचार तो फिर आते ही ऐसे सभी को विचार तो रहेगा, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में भी बच्चियों को शिक्षा देने में कोई एतराज नहीं है। बहुत बढ़िया। एक बात बता दूं कि कमल जी सोनी के जो पुत्र वधू आई हैं, वो भी शादी के बाद उन्होंने तैयारी करके और अभी टीचर की जॉब में वो लगी हैं, तो सेकंड ग्रेड टीचर लगी हैं, तो शिक्षा के प्रति इनका रुझान अपनी बेटी और बहू को एक ही तराजू में तोलने वाले हमारे साथ कमल जी सोनी है, और ये बहुत अच्छी बात हमें नजर आई, इसलिए हमने ये कवर किया है। आपको भी प्रेरणा मिले, समाज में बेटी और बहू एक ही रास्ते पर चले, एक ही दिशा में चले, यही एक ऐसा विचार हमारा। तो मेरे साथ ही रोहित चौहान के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा लेता हूँ इजाजत, धन्यवाद। Thank you.